हाय फ्रेंड्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते रहते हैं कि सर क्या हमें प्लेसमेंट में जाना चाहिए, 4000 की फीस लगती है एंड जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या हम प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जिसपे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलने वाली है, सीएमए प्लेसमेंट से रिलेटेड, सीएमए ट्रेनिंग से रिलेटेड, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें, सर्च करें किस तरीके से जॉब मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, सीएमए हैं, उनकी इंटरव्यू सेशन देखने का मौका मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो आप। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सीएमए प्लेसमेंट में सबसे पहले किन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं आपको बताऊं। जो न्यूली क्वालिफाइड सीएमए हैं, जिन्होंने कभी पास्ट में जॉब नहीं किया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए, फ्रेशर्स हैं, सो उनको मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि आप कैंपस में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज ओनली 4000 की फीस है एंड उसमें आपको 12 डेज की ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिलती है, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है और आफ्टर दैट आप प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हो। सो मुझे लगता है एटलीस्ट एवरी स्टूडेंट्स को 2 से 3 कंपनी में इंटरव्यू देने का चांसेस तो जरूर मिलता होगा। 4000 की फीस में आपको 12 डेज की ओरिएंटेशन एंड 2 से 3 कंपनी में अगर आपको इंटरव्यू देने के चांसेस मिल रहे हैं तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जो जॉब हाइक के लिए भी देख रहे हैं, बिकॉज प्लेसमेंट में क्या होता है, ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे एसेंचर, जेनपैक, ये भी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एमएनसीज भी पार्टिसिपेट करती है, तो एक अच्छा हाइक भी आपको प्लेसमेंट देके जा सकता है, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एटलीस्ट 15 to 20 कंपनीज प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है एंड आपका 2 से 3 कंपनी में भी अगर अच्छी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको एक इंटरव्यू देने का ऑप्शन मिलेगा एंड आप वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे लॉस सिर्फ एक है, आपके 4000 रुपीज आपके जेब से जाएगा, बट अगर आपको प्लेसमेंट हो गया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो भी बेटर क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे 12 डेज की ट्रेनिंग का, वहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट नेटवर्किंग आपसे बनेंगे, बहुत सारे सीएमएस से आप कनेक्ट हो गए, तो वो सारी चीज़ें बेनिफिट है कहीं ना कहीं, बिकॉज नेटवर्किंग आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है, वो सारे स्टूडेंट जो आपके साथ उस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करे होंगे उनका कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा एंड अगर आप उनके टच में होंगे, उनके कंपनीज में इंटरनल वैकेंसीज होगी तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाने में। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको बताता हूँ, एज पर naukri.com 70% वैकेंसीज जो होती है वो इंटरनली फिल हो जाती है। सो नेटवर्क के ऊपर फोकस करो एंड नेटवर्क अगर आपके पास अच्छा है तो आपको जॉब लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।